नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार सिंह अपने YouTube चैनल सिंह होम्यो लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बड़े बुजुर्गों का चक्कर यानी कि वर्टिगो। दोस्तों, चक्कर एक आम समस्या है, यानी चक्कर एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपने आसपास की सभी चीज़ें घूमती हुई नजर आती हैं। वर्टिगो यानी चक्कर शरीर का बैलेंस बिगड़ने की एक सेंसेशन फीलिंग है। दोस्तों, वर्टिगो यानी चक्कर होने का कारण सिर या गर्दन में चोट लगना हो सकता है या इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर वर्टिगो यानी चक्कर के शिकार हो जाते हैं और अक्सर बिस्तर से सोकर उठने पर उन्हें बहुत चक्कर आता है। चलने पर चक्कर आने के कारण वे लड़खड़ाते हैं, गिरने का डर रहता है। दोस्तों, अभी हाल ही में मेरे क्लिनिक में एक केस आया चक्कर का। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका उम्र 72 साल है, वो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, वो मेरे पास अपने चक्कर की बीमारी से परेशान होकर इलाज के लिए आए और उन्होंने मुझे बताया कि वे अपना इलाज चक्कर के लिए भिलोर से भी कराकर लौटे हैं, लेकिन उन्हें बहुत फायदा हुआ नहीं है। आज भी वह पहले के जैसे ही चक्कर से परेशान है। दोस्तों, मैं समझ गया कि वेलोर जैसे जगह में इनका सभी तरह का जांच बहुत ही गहराई से हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी जब इनका चक्कर नहीं खत्म हुआ तो ये घबराए हुए थे। दोस्तों, मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि बाबा आप घबराइए नहीं, आप होम्योपैथी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पर उन्हें मेरी बात पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों, मैंने उनसे उनके सारे लक्षण पूछा और एक केस डायरी बनाया जिसमें मैंने उनके सारे लक्षण लिखे। लक्षण कुछ इस तरह से थे। दोस्तों, बिस्तर से उठने पर उनको चक्कर आता था, चलने पर चक्कर आता था, लाठी पकड़कर चलते थे, बीपी कभी हाई तो कभी लो, ऐसा अक्सर होता था। दोस्तों, मैंने उनकी सारी बात को बहुत ध्यान से गहराई से सुना और बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक उनसे बात करते हुए मैंने उनका बीपी नापा, ब्लड प्रेशर देखा, तो वाकई एक बार बीपी नापने पर बीपी बढ़ा हुआ मिला, दूसरे बार बीपी नापा फिर से तो बीपी थोड़ा कम मिला, तीसरे बार में बीपी फिर से बढ़ा हुआ मिला। तो दोस्तों, इस तरह से उनका बीपी कभी घट रहा था, कभी बढ़ रहा था। मेरे समझ में आ चुका था कि मुझे करना क्या है। मैंने दवाइयों के बारे में सोचा, चूंकि होम्योपैथी रोगों का इलाज उसके लक्षणों के आधार पर करती है, रोग का नाम ढूंढना जानना उसके लिए बहुत आवश्यक नहीं होता है। मैंने उनके लिए, बुजुर्ग के लिए, पहला दवाई लिखा अम्ब्रा ग्रिसिया 30। दोस्तों, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, दवाई नंबर एक मैंने लिखा अम्ब्रा ग्रिसिया 30। इस दवाई को दो बूंद सुबह, दोपहर दो बूंद और शाम में दो बूंद उनको जीभ में लेना था, खाली पेट में। दवाई नंबर दो मैंने लिखा ब्रायोनिया 200 पावर। जी हाँ दोस्तों, दवाई नंबर दो मैंने लिखा ब्रायोनिया 200 पावर, दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम, इसे भी खाली पेट ही लेना था और लगातार लेना था। दवाई नंबर तीन मैंने लिखा कोनियम मैक 200, दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर, दो बूंद शाम। तो दोस्तों, इन तीनों दवाई को मैं लगातार उनको पिलाता चला गया। पहले तो उनको अम्ब्रा ग्रिसिया 2 बूंद पिलाया, उसके बाद ब्रायोनिया 200 पिलाया 2 बूंद, फिर कोनियम मैक 200 पिलाया 2 बूंद। उसके बाद मैंने दवाई नंबर 4 लिखा, उसमें तीन दवाई का मिक्सचर मैंने बनवाया। तो तीन दवाई का मिक्सचर जो बना, उसमें पहली दवाई थी क्रेटेगस ऑक्सी क्यू यानी कि मदर टिंचर, दूसरी दवाई पैसि फ्लोरा क्यू मदर टिंचर, तीसरी दवाई राल्फिया क्यू मदर टिंचर। इन तीन दवाइयों को, दोस्तों दवाइयों का नाम मैं फिर से बता रहा हूँ, पहली दवाई क्रेटेगस ऑक्सी क्यू, दूसरा पैसि फ्लोरा क्यू और तीसरा राल्फिया क्यू, इन तीनों दवाइयों का मैंने 100 ml का एक मिक्सचर बनवाया और 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर और 20 बूंद शाम उन्हें 1 कप पानी में डालकर पीने की सलाह दी। जब उनका बीपी कम होता हुआ उन्हें दिखे तो मैंने उन्हें 10 बूंद करने की सलाह दी, 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद शाम, या बीच बीच में वो इसको बंद भी कर सकते थे अगर बीपी लो होता दिखे तो।
दोस्तों आधे घंटे के बाद जब वे उठे तो उनको लगा कि कुर्सी से उठने पर उन्हें चक्कर कम आया या नहीं के बराबर आया। वे बहुत खुश हुए, उनके आँख में एक चमक दिखी, मुझे भी बहुत खुशी हुई। आज उनका इलाज अभी चल रहा है और बहुत बेहतर स्थिति है। वो फ़ोन से मुझसे संपर्क में रहते हैं और उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि वो अब बिल्कुल आराम से चलते हैं, बिना चक्कर के चलते हैं और बहुत खुश हैं वो कि उनका इलाज हो पाया। तो दोस्तों होम्योपैथी पर विश्वास कीजिए, यह रोगों को बिल्कुल अच्छे से ठीक करती है, रोगों के कारणों को ढूंढने के लिए उसके लक्षणों को समझती है और लक्षणों के आधार पर आपका दवाई तय करती है। तो दोस्तों मैं आपके लिए फिर इसी तरीके का एक और वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। उस वीडियो में मैं एक और एक नया टॉपिक लाने वाला हूं जो कि मैंने अभी हाल में ही ठीक किया हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए दोस्तों में, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो आपके लिए मैं सोच समझकर बनाता हूँ ताकि आपके काम आए और आपको अगर इस तरह का कोई रोग हो तो आपको फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो में। जय हिंद।